तुम तो कह रहे थे इस्माइल मियाँ के लड़के की माँ ने तैयबा को पसंद किया, उसके तो मिजाज ही नहीं मिल रहे थे। अरे नहीं, पप्पी अम्मा, ऐसी तो कोई बात नहीं लग रही थी। अगर ऐसा कुछ होता तो वो आती क्यों? हाँ, वो उस्तानी है ना, तो मेरे ख्याल में हर बार उस्तानी की तरह रहती होंगी। तो यहाँ कौन सा सबक पढ़ाने आई थी, लड़के का रिश्ता लेने आई थी ना, इखलाक तो दिखाती कम से कम। मैंने तो तानी साहब को जब भी देखा है ऐसी माथे पे बल देखा हूँ। तो घर छोड़ आती ना वो बल, लड़की वालों के यहाँ आई थी, या फिर उसे रिश्ता मिलने का पहले से यकीन था। खैर वो थी ना खुश, ये मुझे पता है। एक जमाना मेरी फहमो फरासत का कायल है, ऐसे ही नहीं, मुझे तो जो नजर आया मैंने कह दिया, अल्लाह मुझे मेरी साफ गोई का अजर देगा। भाई नगी लिपटी मुझे आती नहीं, मिजाज नहीं मिल रहे थे दानी बेगम के। अरे पान खाओगी पप्पी अम्मा? हाँ हाँ क्यों नहीं, बस वो गुलकंद अच्छी से डलवा के लाना। हाँ, अब छालिया तो होगी नहीं उसमें, हाँ हाँ बस, ऐसे रखोगी गुल जाएगा तुम। हाँ, हाँ ले अभी आओ। आया। देखा आपने, देखा आपने वो कैसे मिस्तानी के खिलाफ जहर घोल रही है अब्बू के दिमाग में। अब अब्बू के दिमाग में सारी बातें आ जाएंगी, इसीलिए इतनी नफरत है मुझे उनसे। अगर अब्बू उनकी सारी बातें मान गए तो क्या होगा, मुझे समझ नहीं आता। अगर वो नाराज होकर चली गई थी तो उनको मनाने की क्या जरूरत थी। अरे अब्बू इतनी मुश्किल से माने हैं, अब तुम उनकी फेवरेट फूफी अम्मा के खिलाफ बात करके उनका मूड खराब करना चाहती हो। तुम चाहती हो मामला तो और खराब हो जाए। मैं पता है वो उनके मशवरे के बगैर कदम नहीं उठाते हैं, मसलहत से काम लो। अगर अब्बू ने उनकी बातें मान ली और रियान से रिश्ते के लिए इनकार कर दिया तो नहीं करेंगे। अगर करना होता जब तुमने बात की थी उसी वक्त करते। हाँ बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूं। पुपी अम्मा कह ठीक रही। क्या मतलब? रियान की वालदा का रवैया काफी खराब। आतिका अम्मी मैंने आपको कहा तो है कि वो राजी नहीं थी, उनको राजी किया है और मैं उनका दिल जीत लूंगी, मैं उनको मना अच्छा, लूंगी। अच्छा, बस बस आराम से आराम से। तुम इतनी खुश थी मैंने तुम्हें परेशान कर दिया, मत सोचो इन चीजों के बारे में। कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह जैसा तुम चाहती हो ना वैसे ही होगा, सब ठीक हो, बस मत सोचो।